हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हमें एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई फैसिनेटिंग फिनोमिना रेनबो के बारे में बात करनी है। रेनबो को कोसे कजा कहते हैं उर्दू में, और पंजाबी में इसे गुड्डी गुड्डे की पींग कहते हैं। तो ये मैं थोड़ा उर्दू मिक्स कर गया हूँ। गुड्डी गुड्डे नी पींग ओरिजिनल नाम है इसका। और यहाँ रेनबो के बारे में हमें देखना है कि ये क्या होती है, क्यों होती है, कब दिखाई देती है वगैरह वगैरह। इन सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है? इट इज़ एन आर्क ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स दैट अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। यानी ये स्पेक्ट्रल कलर्स की एक आर्क है, कोस है, जो हमें रेनफॉल के बाद, बारिश के बाद आसमान पर दिखाई देती है। तो इसको कोसे कजा कहते हैं। सात कलर्स इसमें दिखाई देते हैं। इंतहाई खूबसूरत फिनोमिना है ये। और ये बेसिकली सोलर स्पेक्ट्रम होता है। हमें पता है कि सनलाइट सेवन कलर्स पर मुश्तमिल होती है, और बारिश के कतरों में से ये रिफ्रैक्ट होके रिफ्रैक्शन फिनोमिना से डिस्पर्स हो जाती है, और इस तरह से हमें वो स्पेक्ट्रल कलर्स एक आर्क की फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब हमें ये कब दिखाई देती है, व्हेन डू वी सी इट, इसके आंसर इस तरह से होगा कि रेनबो हमेशा उस वक्त दिखाई देती है जब सन हमारी बैक पर होगा। यानी ये फिनोमिना या तो सुबह को अर्ली टाइम में, यानी मॉर्निंग टाइम जिसे कहते हैं, उसमें ये ज़्यादा वाज़े होता है, दिखाई देती है, या फिर आफ्टरनून में, इवनिंग टाइम में, जब कभी बारिश हो तो उस वक्त ये दिखाई देती है। बिल्कुल दोपहर के वक्त जब सूरज सर पे होता है, उस वक्त हमें ये फिनोमिना दिखाई नहीं देता है, रेनबो नहीं बनती है। तो वजह उसकी ये है कि सन रेज को ओब्लीक फॉल करना चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स पे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो कि तो हमारी आंखों तक लाइट रे आनी चाहिए। दोपहर के वक्त ऐसा मुमकिन नहीं होगा, इसलिए दोपहर के वक्त ये दिखाई नहीं देगी। ये सिर्फ जो मॉर्निंग का टाइम है और इवनिंग का टाइम है, उसमें ज़्यादा वाजे ये फिनोमिना दिखाई देगा। और हाउ दिस हैपन, ये होती कैसे है? दरअसल बारिश के बाद आसमान पर बहुत सारे इन्यूमरेबल ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, तो ये सस्पेंडेड होते हैं हवा में। तो इस वजह से जब सन रेज उन ड्रॉपलेट्स पर पड़ती हैं, फॉल करती हैं, तो ईच ड्रॉपलेट बिहेव्स एज प्रिज्म। तो प्रिज्म की तरह इसने बिहेव करना है। इसमें से लाइट रेज जो एंटर होंगी वो रिफ्रैक्शन करेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। तो इस तरह से हमें ये मंजर दिखाई देगा। तो सिंस दीज रेज आर ऑफ वाइट लाइट, सो दे स्प्लिट अप इनटू सेवन कलर्स। तो जो कि सनलाइट है, इसलिए ये सात कलर्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हमें देखना है कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और ये किस तरह से ये फिनोमिना वकू पजीर होता है, किस तरह से ये हैपन होता है। तो याद रखिएगा कि दो टाइप्स होती हैं रेनबो की। एक प्राइमरी रेनबो होती है और एक सेकेंडरी रेनबो होती है। कभी कभी हमें दोनों इकट्ठी दिख, जाहिर है जब भी दिखाई देना है तो इकट्ठे ही दिखाई देना है। प्राइमरी होगी तो सेकेंडरी दिखाई देगी। तो किस तरह से दिखाई देना है? दरअसल इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट, एक जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट है एयर में, उसमें रे ऑफ सन आती है, उसमें यहाँ से एंटर होगी तो रिफ्रैक्ट करेगी। तो थोड़ी सी बेंडेड मैंने दोनों रेज आपको दिखाई हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि एयर में से वो आ रही है, डेंसर मीडियम वाटर ड्रॉपलेट्स में जा रही है, तो वो जो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल या बेंडिंग अवे यहाँ होगा, तो वो फिनोमिना अपनी जगह यहाँ हो रहे हैं। तो रे ऑफ सन आई, यहाँ से ये बेंड करके थोड़ी नीचे की तरफ झुक गई दोनों लाइट रेज, और रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए इसके जो कलर्स हैं वो स्प्लिट हो गए हैं। रेड कलर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और वायलेट कलर आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये इस जगह पर आके पड़ेंगी। अब यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पूरी होगी। यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनेगा। तो जब वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनेगा, तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। तो यहाँ से वापस लाइट रे पलटेगी उसी ड्रॉपलेट के अंदर और यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ जाके
उसने रिफ्रैक्ट कर जाना है इस वाटर ड्रॉप के बाहर, और ये हमारी आंखों तक पहुंचेगी और इस तरह से हमें सेवन कलर्स दिखाई देंगे। तो चूंकि आपकी आंख के सामने ये जो एंगल मीट होता है, ये एंगल एक आर्क की फॉर्म में जो ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं उन सब में ये कंडीशन ओबे हो रही होती है, इसलिए हमें वो पूरे की पूरी आर्क इसी तरह से कलर्ड दिखाई देती है। तो प्राइमरी रेनबो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ब्राइट कलर्स रखती है, इजीली विजिबल होती है, इसी तरह से इसमें एक दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी ड्रॉप के अंदर एक ही दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और इसका रेड कलर आउटर एज पर होता है, वायलेट कलर इनर एज पर होता है, और तरतीब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होती है। इसी तरह से जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो में ये प्राइमरी रेनबो से कुछ हट के दिखाई देती है, और इसमें दो दफ़ा एक ड्रॉप में से दो दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और इसी तरह से ये फेंटर भी होती है प्राइमरी रेनबो से, प्राइमरी रेनबो बड़ी ब्राइट कलर्स की होती है, इजीली विजिबल होती है, लेकिन ये फेंटर होती है, उसकी निस्बत मदम दिखाई देती है, और इसमें डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। जिस तरह से यहाँ आपको दिखाया गया कि ये लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ से स्ट्रॉप में एंटर हुई, रिफ्रैक्ट हुई, कलर में डिवाइड हुई, स्प्लिट हुए कलर्स, और यहाँ जब जाएगी तो एक दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ से भी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होके इस तरफ लाइट रेज आएंगी। इस तरह से एक दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हुई, दूसरी दफ़ा यहाँ होगी, डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, और जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से उसने बाहर आना है और मुड़ के हमारी आंखों तक नीचे ज़मीन की तरफ आ जाना है। तो इस तरह से इसमें जो कलर पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, आउटर एज वायलेट होता है और इनर एज रेड होता है, और तरतीब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होती है, ये ऑर्डर ऑफ कलर्स इसमें होगा। तो इस तरह से ये फिनोमेना हमें दिखाई देता है। उम्मीद है कि आपको ये फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई होता हुआ समझ आ गया।